स्टूडेंट्स, वी आर सीइंग क्लास 5, यूनिट नंबर 6 ऑफ ईवीएस, दैट इज फोर्स एंड सिंपल मशीन्स. ओके, इसके पहले की वीडियो में वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोर्स, व्हाई वी अप्लाई फोर्स, व्हाट आर डिफरेंट इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. आफ्टर दैट वी हैव स्टडीड द मीनिंग ऑफ सिंपल मशीन, कॉम्प्लेक्स मशीन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स. ओके, इसके पहले हमने लेवर को डिटेल में स्टडी किया है. वी नो दैट देर आर 3 टाइप्स ऑफ लेवर्स, फर्स्ट ऑर्डर लेवर, सेकेंड ऑर्डर लेवर, थर्ड ऑर्डर लेवर. ठीक है, एंड वी हैव सीन डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ लेवर. आफ्टर दैट वी हैव स्टडीड व्हील एंड एक्सल, है ना. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी थर्ड टाइप ऑफ सिंपल मशीन, दैट इज पुली. ओके, पुली मीन्स वॉट? देखो ये स्ट्रक्चर, हैव यू सीन दिस स्ट्रक्चर? कहाँ पे होता है ये? ऐसे, सी व्हाट इज गिवन इन इट. इट हैज ए व्हील, दिस इज ए व्हील. और ये व्हील को बीच में देखो, एक एक सिंगल व्हील है और बीच में इसको कैसे बनाया, ऐसे खोल, ऐसे पार्ट इसका बनाया है ना. दिस पार्ट वी कॉल एज ग्रूव. ये जो पार्ट है इसका, इसे हम बोलते हैं ग्रूव. ओके, और इसके ऊपर व्हाट वी हैव डन, हमने इसके ऊपर एक क्या लगाई है, रोप लगाई है. व्हाट? रोप. ये जो स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज पुली. पुली का मीन्स सिर्फ इतना पोर्शन. कौन सा? ग्रू और व्हील वाला जो स्ट्रक्चर है उसको हम पुली बोलते हैं, जिसके ऊपर हम एक रोप का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, इसको कोई तो भी वर्क करने के लिए इसको हम क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं. इसकी खासियत ये है देखो कि पुली जब ये होती है, अगर मुझे कुछ कोई चीज़ खींचनी है, अगर मुझे कोई चीज़ ऊपर खींचनी है, तो हम फोर्स कहाँ पे अप्लाई करते हैं, नीचे अप्लाई करते हैं. हम इसको नीचे खींचते हैं तब जाके दूसरे साइड से चीज़ कोई ऊपर आती है. दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज पुली. कहाँ पे होती है? आपको अगर वेल से वाटर निकालना है, टू ड्रॉ वाटर, टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल, वेल से वाटर अगर आपको निकलना है, फॉर दैट पर्पज यू यूज वॉट? यू यूज पुली. ओके, लेट अस मूव फर्दर. इंट्रोडक्शन. इमेजिन हैविंग टू लिफ्ट ए हेवी बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम डीप इनसाइड द वेल. It would be very difficult task if we do not have simple machines like pulleys. अभी कोई well अगर आप consider करते हो, see, if this is a well, और इसमें बहुत सारा पानी है, अगर आपके पास pulleys नहीं होती तो पता है आपको water कैसे लाना पड़ता था? आपको ये water ऊपर के direction में push करना पड़ता था, खींचना पड़ता था. And it is not नीचे झुक के ऊपर के direction में कोई चीज़ push pull करना is not very easy. ये easy काम नहीं है, इसको आपको बहुत सारे efforts लगते हैं. लेकिन हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक pulley fit कर देते हैं और pulley के वजह से हम नीचे की direction में कोई चीज़ easily क्या कर सकते हैं, पुल कर सकते हैं. तो इससे हमारे एफर्ट्स क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं. हमें कम फोर्स में हम ये वाटर को क्या कर सकते हैं, ऊपर खींच सकते हैं. ओके, सो इट इज व्हाट? सिंपल मशीन लाइक पुली विच हेल्प अस टू डू अवर वर्क मोर सिंपली और इजीली. इमेजिन हैविंग टू लिफ्ट अ हेवी बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम डीप इनसाइड अ वेल. इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टास्क इफ वी डू नॉट हैव सिंपल मशीन्स लाइक पुलीज. ए पुली कंटेन्स ए व्हील दैट मूव्स फ्रीली अराउंड एन एक्सल. क्या होता है, बीच में एक एक्सल बिठाया है छोटा सा, है ना, यहाँ पे, और ये एक्सल के अराउंड आपकी का ये जो व्हील है, ये फ्रीली क्या हो सकता है, मूव हो सकता है. द पुली कंटेन्स ए व्हील दैट मूव्स फ्रीली अराउंड एन एक्सल. The wheel in the pulley has grooves, has a groove in the middle and a rope that goes over the pulley. The groove helps in making the rope in place. When we pull the rope down on one side of the pulley, the rope on the other side goes up, thereby lifting the load. और इस वजह से कोई भी लोड आप क्या कर सकते हो, ऊपर की डायरेक्शन में
खींच सकते हो. ओके सी, ये जो पर्सन है इसने क्या किया, नीचे बॉक्स रखा था, वो बॉक्स को उसने नीचे से हेवी वेटेड बॉक्स ऊपर पुश किया है, पुल किया है, सॉरी, है ना, अपनी तरफ. और दूसरे कंडीशन में पुली ने क्या किया, देखो यहाँ पे कोई तो भी हेवी लोड कनेक्टेड है ना, इसको पुश करना, जब आप इसको इस डायरेक्शन में पुल करते हो तो द वर्क बिकम ईजी, द पुलिंग वर्क बिकम ईजी बाय कंसिडरिंग द इफेक्ट ऑफ पुली. सी, यू कैन सी दैट द पुली हेल्प्स इन चेंजिंग द डायरेक्शन इन विच फोर्स नीड टू बी अप्लाइड. व्हेन यूजिंग ए पुली we pull the rope down applying a downward force, and to lift something up when using a pulley we pull the rope down applying a downward force to lift something up. The pulley makes our work easier as it is easier to apply a force downwards than upward. Koi bhi force aapko person ko downward direction mein force apply karna is more easier than applying the force in upward direction. और पुली हमारे लिए क्या करती है, इट चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इट चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. ओके, वी कैन सी मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ पुली इन आर डेली लाइफ. वी यूज पुलीज टू ड्रॉ वाटर आउट ऑफ वेल, इन साइकिल चेन, एंड इवन इन एक्सरसाइज इक्विपमेंट सीन इन द जिम. देखो तो ये, हाँ, ये वेल में से पानी निकालने के लिए देखो उन्होंने कौन सी चीज रखी है यहाँ पे, ये क्या है, ये आपके साइकिल का ये है ना टायर है ना, उसके ऊपर का रबर वाला पोर्शन निकाल दिया है उन्होंने, और उसका इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हो, इस इन्होंने ये पुली बनाई है जिसके जरिए आप वाटर निकाल सकते हो वेल के अंदर से. ये दूसरी चीज ये आपने देखी है चैन, इसको बीच में ग्रूज है उसके ऊपर चेन बिठाई है, और जब आप इसको पहिया पैडल मूव करते हो तो उसके वजह से इसके ऊपर लगी हुई चेन जो है ये मूव करती है और आपके लिए क्या करती है, काम आसान करती है. ओके, थर्ड कंडीशन, यहाँ पे पुली कहाँ पे रखी है, कैन यू सी द पुली, इट इज प्लेस्ड ओवर हियर, है ना, जो आपके लिए वर्किंग क्या कर सकती है, आसान बनाती है. ठीक है, सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ पुली. ओके, लेट अस मूव फर्दर. नाउ देर आर टू टाइप्स ऑफ पुली. फर्स्ट वन इज फिक्स्ड पुली. फिक्स मतलब जिसकी प्लेस एक जगह पे फिक्स होती है, दिस काइंड ऑफ पुली इज कॉल्ड एज फिक्स्ड पुली. सी, एक व्हील है जो सपोर्ट को अटैच किया हुआ है ना, और यहाँ आपने नीचे लोड रखा है, आप इस डायरेक्शन में इसको पुल करते हो और चीज़ ऊपर की डायरेक्शन में क्या की जाती है, लिफ्ट की जाती है, और ये यहाँ पे स्ट्रक्चर पूरा का पूरा फिक्स है. दिस काइंड ऑफ मूवी इज सॉरी दिस काइंड ऑफ पुली इज कॉल्ड एज फिक्स्ड पुली. दिस काइंड ऑफ पुली इज कॉल्ड एज वॉट, फिक्स्ड पुली. सी, a pulley where the wheel and axle are fixed and do not move is called a fixed pulley. In the image on the right you can see an example of fixed pulley. You can see that the advantage of using this pulley is that when you pull an object you use gravitational force to your benefit. आप क्या करते हो, कोई भी ऑब्जेक्ट को पुल करते हो, इट मीन्स आप ग्रेविटेशनल फोर्स का इस्तेमाल करते हो, जिसकी वजह से आपका टास्क कैसे हो जाता है, ईजी हो जाता है. ओके, अनदर टाइप ऑफ पुली इज मूवेबल पुली. मूवेबल पुली, इन दिस काइंड ऑफ पुली द व्हील इज नॉट फिक्स्ड एट वन प्लेस, इट मूव्स विद द लोड. The pulley divides the efforts needed to lift the load into two halves. In the image on the left, you can see that the load of 1 kilogram needs to be lifted. अभी यहाँ पे देखो तो 1 kilogram का load अगर आपको lift करना है, आपने क्या किया, दो part में उसको divide किया, half of kilogram.
इन द इमेज ऑन द लेफ्ट यू कैन सी दैट इफ द लोड ऑफ 1 किलोग्राम नीड्स टू बी लिफ्टेड हाफ द एफर्ट इज अप्लाइड बाय ए पर्सन ऑन द फ्री एंड एंड द अदर हाफ इज अप्लाइड बाय द फिक्स एंड ऑफ द रोप. दिस मीन्स दैट इन मूवेबल पुली द एफर्ट्स नीडेड टू लिफ्ट द लोड इज रिड्यूस्ड. ओके, मतलब यहाँ पे 1 किलो का वेट आपको अगर उठाना है तो एक साइड देखो, आपने एक साइड इसकी कैसे है हाफ किलो के लिए फिक्स है और दूसरी साइड आपने कैसे रखी है फ्री रखी है जो मूव हो सकती है. द मूविंग व्हील अलाउ द लोड टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट. यू मे हैव सीन लार्ज क्रेन्स बीइंग यूज्ड एट कंस्ट्रक्शन साइट. एवरी क्रेन हैज मूवेबल पुली विच आर यूज टू लिफ्ट लार्ज वेट्स. देखो तो लार्ज वेट्स को लिफ्ट करने के लिए मूवेबल पुलीज आपने कई जगह पे देखी होंगी, है ना, ये मूवेबल पुली है. ठीक है, ओके. तो ये फिक्स पुली और मूवेबल पुली और पुलीज टॉपिक हमने आज क्या किया, स्टडी किया. नेक्स्ट इसमें पीरियड में हम इसकी क्या करेंगे, एक्सरसाइजेस, मतलब इसके ऊपर बेस जो है वर्कशीट नंबर व्हाट, लेट मी चेक, वर्कशीट नंबर 9 और 10 जो है हम इसके बाद में स्टडी करेंगे. ठीक है, तब तक के लिए बाय.